जय हिंद दोस्तों, मैं तन्वीर इसरा, जज्बा न्यूज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से परेशानी से एक जनाजे को चांद नगर से एमएम वैली के कब्रिस्तान तक ले जाया जा रहा था। बहुत ही नैरो लेन, बहुत ही नैरो गटर जिसे कह सकते हैं, उस पर से बहुत ही मुश्किल से लोग जा रहे थे। तो उस वीडियो और उस न्यूज का ऐसा इम्पैक्ट हुआ है माशाल्लाह कि वहां पर काम कुछ दिनों में ही कंप्लीट कर दिया गया है, उस जो नैरो लेन की मरम्मत की गई है। और मैं अपने नगर सेवक की, वहाँ पर जो नगर सेवक है उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को बहुत कम वक्त में किया। और दूसरी चीज़, इसी तरह इसी पेस से मैं वहाँ के नगर सेवक से गुजारिश करूँगा कि काफ़ी लोग वहाँ पर परेशान हैं पानी के लिए। उनका काफ़ी ऐसा कहना है कि वोट मांगते वक्त आप सब वहाँ आते हैं, पर अभी पानी की जब किल्लत है तो आप कोई वहाँ पर नहीं आ रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है। सभी चीज़, सभी गुहार, जो भी रिक्वेस्ट है वो सिर्फ किसी उस रिक्वेस्ट पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आपने इस लॉकडाउन में देखा होगा कि सभी इंडस्ट्रीज, सभी फैक्ट्रीज बंद है, तो पानी की किल्लत तो होनी ही नहीं चाहिए। तो मुमरा में खास करके पानी की अभी भी काफ़ी किल्लत है, और खास करके चांद नगर और इसी तरीके के इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स है पानी। चांद नगर में हर एक चीज़ की परेशानी है, पानी की है, गटर की है, और ये अपनी जमीन भर जाती है, इसको भी कोई सुनवाई नहीं है ना दिखवाई है। वोट लेने के लिए तो पहले आ जाते हैं, और नगर सेवक को जाके बोलो तो वो भी तो कान में जू नहीं रेंगती है उनकी, तो क्या कर सकते हैं भाई। ये पानी का मसला कब से चल रहा है? पानी का मसला बोलो ही नहीं, 2-3 साल से हम लोग को पानी की तकलीफ ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि सब लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग में इतने मोटे मोटे नल डाल दे रहे हैं, और हम लोग को ही चाली वाले लोग को परेशानी है। अच्छा, ये जो हैंडपंप है ये यूज होता है आपका? हाँ, ये चालू था, इससे तो थोड़ा घर मतलब चलता था, अभी इसमें भी पानी नहीं है, इसमें भी खराब हो गया, इसको भी कोई बनाने नहीं आ रहा। उसमें खारा पानी। अच्छा, कैसा पानी आता है ये? साफ पानी आता है या ऐसा यूज करने का? नहीं, माशाल्लाह खारा पानी आता है, लेकिन नहाने धोने लायक का, कपड़ा धोने लायक का ये इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, ये जो एक अकेला हैंडपंप है, हाँ। इससे पूरा चांद नगर पानी पीता है? हाँ, इससे ही पूरे पीते हैं, खाली कपड़ा वगैरह धोते, कपड़ा धोते, बर्तन धोते, गंदा पानी, पानी इतना साफ सुथरा पानी नहीं है ये। तो अभी ये भी खराब पड़ा है, तो आप कैसे यूज करते हो पानी? अभी इधर उधर से भीख मांग के लेके आते भाई, बिल्डिंग वाले लोग की 2 बार सुनते है, जाते 2 माला 3 माला 1 माला भीख मांगते, उन लोग से लेके आते 10-12 डब्बा चलाते घर के अंदर, और क्या कर सकते। नाना धोना हो ही नहीं रहा है, नाना धोना हो ही नहीं रहा है कुछ भी। इस दिन के ईद जैसे ईद नहीं हुई हम लोग की, क्या बोलने का है, ऐसे ऐसे लोग बस गए। तो आप लोग, इतने सारे लोग, आप लोग जाकर के अपने स्थानीय नगर सेवक से बात किए थे क्या? साफ किए थे बेटा, साफ नगर सेवक को हर एक जगह लेके आके 10 बाजी बताए भी, बोले भी, तो भी उन लोग के कान में जू नहीं रेंग रही है बेटा, क्या कर सकते हैं हम लोग। ये हम लोग सबर करके घुट का प्याला पी के रह रहे हैं, अब क्या कर सकते, खुद का घर है, छोड़ के भाग तो नहीं सकते। हाँ, तकलीफ झेल रहे कि आज नहीं कल सुधरेगा, लेकिन आज 4-5 साल से पानी का ही नाम निशान नहीं। अच्छा, पानी का जो ये मसला है, जैसे इन्होंने बताया कि बहुत बार नगर सेवक के पास गए थे उन लोग, लेकिन अभी वो आकर के कुछ कहते, आश्वासन देते कि अब ठीक करूंगा, आप करूंगा। पानी वहाँ से, घर में पानी नहीं है, दूसरे दूसरे के इधर से कपड़ा धो के खाला जाते, धो के लेके आ जाते, खाने पीने के इधर बहुत तकलीफ, छोटे छोटे बच्चे बच्चे जाते पानी वाले, लॉकडाउन चला है, सबके बाजू में राशन बटा है, गली में तो कोई पूछने नहीं आया कि किसके घर में था राशन है कि नहीं है, कितने इंसान भूखे बैठे है, कितने इंसान पानी पी के दिन निकाल रहे, समझना चाहिए, बोलना चाहिए ना, आके देखना चाहिए ना, खाली वोटिंग के टाइम पे बरोबर गली गली में घुसेंगे, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी खाला, तुम मुझे वोट दो, मैं तुमको जो काम बोलेंगे वो करके देता हूँ, और काम की बारी आती है। अच्छा, टैंकर आप निजी खर्च से मंगाते हो या नगर सेवक द्वारा आता है? टैंकर आते ही नहीं, ये गली में टैंकर आते हैं, आते हैं, टैंकर का पानी वगैरह नहीं देते हम लोग को, बोलते तुम लोग को मंगाना तो मंगा लो, हम लोग नहीं देते। लेकिन कितना टैंकर आता है? एक ही टैंकर आता है, भरने चाहिए ना पानी, भरने चाहिए, एक ही टैंकर आता है, एक टैंकर में वो भी आते हैं, आता है, हमारी भी हो जाती है, आता है, उधर आता है, आधा इधर आता है।
रमजान की वजह से उन लोग टैंकर भेजे हैं। ईद से पहले से आया नहीं है टैंकर, इससे पहले से 8 दिन से पहले बंद कर दिए उन लोग टैंकर लाना। और ईद में तो कोई झांकी नहीं मारा है हम लोग, तो कैसे क्या करें? फिर भी हम लोग दिन निकाले यहाँ वहाँ से मांग मांग के दिन निकाले। इधर खाने पीने के बहुत तकलीफ है लोगों को, लाइनों में पानी आ जा फोर्स में, और कुछ पाइप लाइन में पानी। मैं सभी नगर सेवक से वहाँ के अधिकारियों से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप ये पानी के जो मसले उसको सॉल्व करें, एटलीस्ट जो बेसिक चीज है पानी लोगों तक पहुँचाए और लोगों की मदद करें। पानी इस लॉकडाउन में आप देख सकते हैं खाने की तो लोगों तकलीफ, अगर पानी की भी तकलीफ होंगी तो कहाँ जाएंगे लोग। खास करके हमारे मुमरा में 24 नगर सेवक होंगे हमारे पैनल में, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि 24 लोग मिलकर कुछ करें। यहाँ के लोगों को आबादी काफ़ी बड़ी है, लाखों में आबादी है, तो मुझे नहीं लगता कि हम एक छोटी चीज़ है जो पानी का मसला है उसको हल करने में कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। आप सबसे गुजारिश है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खासकर नगर सेवक और टीएमसी के अधिकारी इस मुद्दे पर देखें, चांद नगर और आसपास के जो इलाके जहाँ पानी की कमी है उस पर भी ध्यान दें। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।